सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। हेलेन केलर, जन्म सन 1880, देहावसान सन 1968, अमेरिका। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं, वे बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं, जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चिड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे
फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जो देखकर भी नहीं देखते। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 11 है, जो देखकर भी नहीं देखते। पृष्ठ संख्या 80। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूं। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूं।
मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। पृष्ठ संख्या 81। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका हेलेन केलर। पृष्ठ संख्या 82। लेखिका के बारे में। हेलेन केलर 1880 से 1968 तक, अमेरिका। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थीं हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थीं। पृष्ठ संख्या 83। प्रश्न अभ्यास निबंध से। प्रश्न 1। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? प्रश्न 2। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रश्न 3। कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? प्रश्न 4। हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। प्रश्न 5। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका
क्या अर्थ हो सकता है? निबंध से आगे। एक, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। दो, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तीन, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। चार, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनकर, चखकर, सूंघकर, छूकर। पृष्ठ संख्या 84। भाषा की बात। एक, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। यहां ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है? चिकना, रिक्त स्थान। मुलायम, रिक्त स्थान। सख्त, रिक्त स्थान। चिपचिपा, रिक्त स्थान। खुरदरा, रिक्त स्थान। भुरभुरा, रिक्त स्थान। दो, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। इसमें दो रेखांकित शब्द हैं, खुशी तथा सुंदरता। यहां रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। यहां लिखी भाववाचक संज्ञाओं को सुनो और समझो। नीचे वाला ना, ठीक है। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। शब्द हैं मिठास, बुढ़ापा, ताजगी, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, भोलापन, फुर्ती, एहसास। तीन, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदि हो चुकी हूं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है आदि। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है आदि। यहां दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सुनने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। यहां कुछ और शब्द दिए गए हैं। वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। अवधि, अवधि। में, मैं। मेल, मैल। और
दिन दीन, सिल शील, अनुमान और कल्पना। एक, पृष्ठ संख्या 84 पर एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहां जाती है? छात्रों, इस तस्वीर में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है जिस पर कुछ वाहन चल रहे हैं। दो तरफ अट्टालिकाएं हैं जिन्हें हम बिल्डिंग कहते हैं। उनके बीच में हमें एक सड़क नजर आती है। वहीं हम कुछ बिजली के तारों को भी देख रहे हैं। कुछ हरे भरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर की व्याख्या सुनकर आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? पृष्ठ संख्या 85। दो, गली में क्या क्या चीजें हैं? तीन, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती होंगी? सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त। चार, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? पांच, ये तारें गली को कहां कहां से जोड़ती होंगी? छह, साइकिल वाला कहां से आकर कहां जा रहा होगा? सुनना और पढ़ना। एक, एनसीईआरटी द्वारा निर्मित श्रव्य कार्यक्रम हेलेन केलर। दो, सई परांजपे द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म स्पर्श। पाठ समाप्त।